किसी ने एक अपमान का शब्द कह दिया, इतना कह दिया तू मूर्ख है, आलसी है, इतना सा कहा, भार सिर पर इतना हो गया कि महीनों तक वह भार कभी उतरता ही नहीं है, तनाव बना रहता है कि मुझे क्यों कहा, मैं आलसी नहीं हूँ, मैं मूर्ख भी नहीं हूँ, मुझे क्यों कहा, कारण क्या है, उसको याद करता रहता है, दुखी बनता है। हम निष्कर्ष निकालें कि याद के बिना काम नहीं चलता, अतीत की स्मृति के बिना हमारा काम नहीं चलता, पर अतीत की स्मृति आदमी को सुखी भी बनाती है और दुखी भी बनाती है। अप्रिय घटना घटित हो गई और उसे आप याद करते रहे, आना जाना कुछ भी नहीं, पर दुख तो तैयार, आप दुखी बन जाएंगे। आप लोग जानते हैं कल्पना से आदमी सुख भी बहुत भोगता है और कल्पना से दुखी भी बहुत बनता है। कल्पना सपना दोनों देते हैं, सुख भी देते हैं दुख भी देते हैं। अच्छी कल्पना आई मन में, आदमी प्रसन्न हो गया, कल्पना से बड़ा आदमी भी बन जाता है और कल्पना से बहुत कुछ पा लेता है, अच्छा होता है, योजना बनाता है, कल्पना करता है मैं ऐसा बनूं ऐसा बनूं ऐसा बनूं, और बन भी जाता है। और बुरी कल्पना, अनिष्ट कल्पना, अप्रिय कल्पना दुख देती है। आदमी ज्यादा कल्पना का दुख भोगता है। ज्ञान और अज्ञान के कारण ही चिंतन निर्मल नहीं होता। चिंतन निर्मल होता है तब यथार्थ का ज्ञान होता है, और चिंतन शुद्ध नहीं होता तो सही बात का ज्ञान नहीं होता। समुद्र में नौका जा रही थी, तूफान आया, नौका डगमगाने लग गई, सब घबराए, बोले कि अब तो नौका डूब रही है, क्या होगा। एक आदमी जिसका चिंतन अच्छा नहीं था, समझ नहीं थी, बोला डरते क्यों हो, नौका अपनी थोड़ी है, हम तो किराए से लेकर आए, नौका किराए की है, हमें डरने की क्या बात है। बिना सही चिंतन के सही बात को समझ नहीं सकता, अरे किराए की है, मरना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना, तुम्हारी हो चाहे किराए की हो क्या फर्क पड़ेगा, पर विवेक नहीं कर सकता।